बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का ऑफर है, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चे कई दिनों से जो है डिमांड कर रहे थे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का महाबचत ऑफर है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहा, दीपावली महाबचत ऑफर। और ये इसकी वैलिडिटी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, ये 22 से लेकर के 26 तारीख जो है 5 दिनों तक ये बिल्कुल विद्यार्थियों वैलिड रहेगा। इसकी वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर कितनी छूट है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये आप देख रहे हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी कोर्स है उसके ऊपर सबसे पहला है आपका लॉन्ग ईयर हिंदी मीडियम का जो बैच है, जो कि 10,000 रुपये का जो कोर्स है वो आप लोगों को केवल यहाँ पे 5,000 के अंदर मिल रहा है। बच्चों, लॉन्ग ईयर के अंदर हिंदी मीडियम का जो कोर्स है 10,000 का, लॉन्ग ईयर वाला 2023 का कोर्स आपको 5,000 के अंदर मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है लॉन्ग ईयर का इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो आपको 15,000 की जगह केवल 7,500 रुपये में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रख लेना। जो भी विद्यार्थी आप लोगों के मिलने वाले हैं, बिल्कुल सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स है वो 5,000 जगह बिल्कुल 3,500 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, 3,500। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप लोगों को मात्र 2,500 रुपए के अंदर मिल रहा है, ठीक है। CUET का जो कोर्स है वो आप लोगों को 10,000 की जगह मात्र 5,000 रुपए के अंदर मिल रहा है ना। इसी प्रकार से जो प्री PG और EEO का जो कोर्स है, यानी कि प्री PG और EEO का, वो आपका 5,000 के स्थान पर आपको इन 5 दिनों में आपको केवल 3,000 के अंदर मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, इस अगला प्रश्न के अगला जो ऑफर आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखो 11वीं 12वीं का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन कोर्स है। तो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ में जो इस कोर्स के लिए लेकर के जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जो है 10,000 की जगह, ये इसमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी मैथमेटिक्स सभी जो है बच्चे शामिल है, यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, बायोलॉजी के वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी यहाँ पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है 5,000 के अंदर जो है आप लोगों को 10,000 वाला कोर्स मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के अंदर है, उन बच्चों के कई बार मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में समस्या आती है, ठीक है। तो उनको जो है 10,000 का कोर्स केवल 1,000 रुपए के अंदर मिलेगा। और ये कोर्स आप लोगों का 22 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा, ये इसकी जो है आप ध्यान रखना। ये ऑनलाइन जो आपका कोर्स है, इसके फीचर देखो, सभी बैच में जो है क्लासरूम से लाइव क्लास आप लोगों के सामने होगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास के वीडियो है, लाइव क्लास के पैनल के जो नोट्स होते हैं, पैनल नोट्स का मतलब जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वही आप लोगों को मिलेगा, रेगुलर टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसी प्रकार से जो आपके DPP और एक्सरसाइज सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी, और ऑनलाइन डाउट क्लास भी उसमें लगेगी, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह। कहने का मतलब जो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर मिलती है वो सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को जो है ऑनलाइन के अंदर भी मिलेगी। बच्चों, करना क्या है, आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के माध्यम से, और उसके ऊपर जो है ये आप लोगों को सभी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है 163,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग ईयर का कृषि पर्यवेक्षक के ऑनलाइन और ऑफलाइन के नए जो बैचेस हैं वो दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे। बच्चों, वो आपके जो है 1 नवंबर से जो है नए बैच स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं। वेरी गुड, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बगीचा लगाने की विधियां। बगीचा लगाने की विधियां, इनको हम लोग रेखांकन की विधियां भी बोल देते हैं। रेखांकन की विधियां भी कहते हैं, बगीचा लगाने की विधियां हम इनको कहते हैं सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। क्या कुछ कहना चाह रहे हो? बगीचा लगाने की विधियों में देखो, एक प्रश्न यहां से आता है, सरल प्रश्न आता है। ICR वाले तो घुमा फिरा के पूछते हैं भाई, सरलतम प्रश्न आता है, कैसे घुमाएंगे वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें हमेशा खुद का थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना रहता है चाहे कोई भी प्रश्न आए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो लिखा है वैसी की वैसी लाइन उठ करके आ जाएगी एग्जाम, जेट वगैरह में आ जाती है, सुपरवाइजर में, ICR में कभी ऐसा नहीं होगा कि जो लिखा वैसा का वैसा। हाँ, कोई टेक्निकल टर्म जैसे देख विकार तो वैसा का वैसे आएगा, लेकिन लैंग्वेज जो है कभी कथन कारण है तो ऐसे थोड़ा 19-20 के अंदर आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ सकता है। उसी में दैहिक जो विधियां हैं, बगीचा हम लोग किस किस विधि से लगाते हैं, एक दो विधियां हैं जो ज्यादा फेमस है, बाकी ऐसे नाम मात्र की जो मैं पढ़नी है, बाकी एक दो विधियों में जनरली फार्मर जो होते हैं वो अपने इन मेथड्स के अंदर सिस्टम प्लांट्स लगाते हैं। इनके अंदर देखो
विधियां पढ़ने से पहले एक बात जो आप लोगों को याद रखनी है बच्चों, बात ऐसी, जैसे आपके पास में कोई भी खेत है, जैसे ये कोई भी खेत है, मान लो कि ये आपके पास में कोई भी फील्ड है, इस खेत के अंदर आपको बगीचा लगाना है कोई भी क्रॉप का, हमें शुरू प्रथम में क्या ध्यान रखना रहता है, जब भी आप लोग इसके अंदर प्लांटिंग करते हो पहले आधार रेखा बनानी होती है। आधार रेखा मान लो कि आपको आम लगाना है 10x10 मीटर पर, कितनी दूरी पर लगाना है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि साइड में से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके फिर ही हम लोग रेखा खींचना स्टार्ट करते हैं इसमें। कैसे, जैसे आपको 10x10 मीटर में लगाना है तो इसका आधा कितना होता है 5 मीटर, तो हम चारों तरफ से 5-5 मीटर की जगह पहले छोड़ देते हैं। कितनी जगह छोड़ते हैं, 5-5 मीटर की जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम लोग रेखा खींचते हैं, उसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे आधार रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, ये हमने इसमें आधार रेखा खींच ली ऐसे। अब इसके अंदर में अपने को फीता लगा करके अपने को यहाँ पे प्लांट्स लगाने, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एक जगह बना दी, पहले आप लोग क्या करोगे, फीता लगाओगे, निशान करते जाओगे जगह जगह पे, कोई चूना ले सकते हैं या और कोई लकड़ी अपन रोप करके निशान कर लेंगे, जैसे 10x10 मीटर पे लगाने तो 10-10 पे हम लोग ने ऐसे ऐसे अलग अलग करके ऐसे अपने व्यवस्थित बिल्कुल ढंग से अपने को ऐसे जगह करके खड्डे ऐसे करने, ठीक है, इस प्रकार से। तो जगह का मतलब क्या है, जैसे आप 8x8 मीटर पर लगाना चाह रहे हो तो 8 मीटर का आधा ये होता है, तो आधी जगह यहाँ छोड़ दी, जैसे 4 मीटर यहाँ पे छोड़ दिया, चारों तरफ 4-4 मीटर। ऐसे में होता क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे आपने कई बार क्या किया, ये जगह नहीं छोड़ी, पौधा डायरेक्ट यहाँ लगा दिया, अब पौधा लगाया तो आधा तो पड़ोसी के उधर जाएगा, पौधा जब कैनोपी बड़ा होगा, हम ये चाहते हैं कि पड़ोसी फल नहीं खाए अपने से खाए, सही नहीं क्या। अब पड़ोसी लड़ेगा कि तेरे पेड़ों की वजह से हमारे छाया रहती है, तो रोज गालियां निकालेगी, फिर तुम लोग जिम्मेदार हो, महिलाएं लड़ जाएंगी खेत पे, हैं लड़ती नहीं रहती, लुगाई लड़ जा, ठीक है, तो खेत पे गए तो तुम्हारे तो हमारी छाया रहती है, इसकी वजह से ये रहती है, तो तुम्हें ऐसे जो है ऐसे पद गाँव में ऐसा हो जाता है, लड़ते ही आए दिन लड़े झगड़े होते, तुम सब गाँव से आए हो तो जानते हो, किसको ये नहीं पता कि महिलाएं लड़ती नहीं आपस, किसने दो महिलाएं लड़ती हुई नहीं देखी आतकड़ा, सबने देखा हुआ। तो गांव से आते हैं अम्बन, तो गांव में पाली जो होती है ना पाली, उस पर कई बार चारा काट, थोड़ा चारा ज्यादा काट लेते हैं गलती से, तो भी लड़ जाती, महिलाएं लड़ जाती, पुरुष भी लड़ जाते, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो होवे नहीं है, तो अपन तो बगीचा लगा हुए, तो ध्यान रखे ना इस बात, ऐसा अपने को ध्यान रखना है, हम पौधे लगाएंगे तो साइड में से जगह छोड़ेंगे ताकि कैनोपी उसकी बाहर नहीं जाए, ठीक है। अब इसके अंदर लगाने की जो विधियां हैं उनमें हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, जो भी हम लोग विधियों की बात करते हैं उसमें जैसे सबसे पहले यहाँ विधि आती है वर्गाकार विधि, सबसे फेमस विधि है बच्चों वर्गाकार, वर्गाकार विधि जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर सिस्टम, क्या कहते हैं स्क्वायर सिस्टम, कहते हैं स्क्वायर सिस्टम। अब ये स्क्वायर सिस्टम में होता कुछ भी नहीं, ये नामकरण है ना, ऐसा कोई खास नहीं कि तुम्हें आएगा नहीं, हमारे पास में ये कोई बगीचा है, ये बगीचा, इस बगीचे के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जैसे लाइन से लाइन है, मान लो कि ये हमारे पास में लाइन है, ये हमारे पास में लाइन है, और इस पर ये थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि चार पौधे मिलकर के इसमें वर्ग बनाए बस, यानी कि जैसे ये विधि है हमने, तो यहाँ पे एक पौधा यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, अर्थात चार पौधे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग का निर्माण कब होता है, जब सभी भुजाएं बराबर होती है, होती नहीं होती, तो मान लो कि आपको 10 मीटर लगाना है, तो 10 ही मीटर आपकी ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 10 मीटर रहेगी, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की मीटर भी कितनी रहेगी, दूरी भी 10 मीटर रहेगी, तो 10x10 पे तो ये हमारे पास में एक वर्ग बन जाएगा, चार पौधे मिलकर के अपने एक वर्ग का निर्माण कराएगा। अब ये विधि तुम्हारी सबसे फेमस विधि, ऐसा क्यों है, ये सबसे प्रसिद्ध विधि है क्योंकि इसके अंदर पौधों को वृद्धि करने के लिए आराम से जगह मिलती है, सबसे फेमस मेथड है, सबसे ज्यादा आप कोई भी बगीचा देख लो ज्यादातर आपका इसी के अंदर मिलेगा, पूरे भारत में जितने भी मैदानी क्षेत्र है, समतल भूमियां जितनी भी है उनके अंदर आपको ऐसा माहौल मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 2-3 तरह के इसके फायदे रहते हैं, एक तो इसमें पौधा आराम से फलता फूलता है, उसमें हवा जो आती है, भाई एरेशन भी इंपॉर्टेंट, हवा आराम से आएगी तो पौधा खेला खेला सा रहेगा, अगर इसके अंदर सूर्य की किरणें भी प्रॉपर आएगी तो भी पौधे के अंदर फ्रेशनेस रहेगी, प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर रहेगा, अगर आप कोई इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना चाहते हो, अंत्यकृषण क्रियाएं करनी पड़ेगी, जैसे आप लोग खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हो, आपको बाद में तुड़ाई भी करनी पड़ेगी फलों की, तो हम ये ध्यान रखें कि अंदर कोई छोटा मोटा साधन भी चला जाए, ऐसे अगर बड़ी क्रॉप लगा रहे हो 8x8 मीटर पे तो अपने आराम से साधन चला जाता है, आपको दवाई छिड़कनी है तो आराम से छिड़क सकते हो, पौधे आपस में रगड़ते नहीं है, शाखाएं वगैरह ऐसा कई सारे इसके प्रॉफिट रहते हैं, तो हम लोग इसमें कटाई छटाई भी आराम से कर सकते हैं, तो मतलब पौधे को वृद्धि करने के लिए प्रॉपर स्पेस इसके अंदर मिलता है,
इसके अंदर जो पॉइंट्स हमें याद रखने वो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि इस विधि के अंदर पंक्ति से पंक्ति वह पौधे से पौधे की दूरी समान रहती है, वह पौधे से पौधे की दूरी समान, पौधे से पौधे की दूरी इसके अंदर रहती है समान। पहला पॉइंट हमने ये याद रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट विद्यार्थी अपने को ध्यान रखना है वो इस प्रकार से है। अब ये सबसे फेमस विधि, ऐसे ICAR के प्रश्न अंदर प्रश्न आया हुआ है कि ये सबसे सरल विधि है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में सबसे प्रचलित विधि है, सबसे प्रचलित, लगाने में सबसे सरल विधि भी है और सबसे अच्छी विधि भी है, यानी कि हम लिख सकते हैं उत्तम विधि या सबसे अच्छी विधि हम कर सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके समतल इलाके हैं ज्यादातर यही विधि लगाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर वो लाइनें नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर कर्षण क्रियाएं आराम से कर सकते हैं। अब ICAR में प्रश्न आता है कि कौन सी विधि ऐसी है, मतलब यूं आएंगी वर्गाकार विधि एवं आयताकार विधि में, ये दोनों विधियां हैं, इनमें बगीचे में अंतःकर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। तो इसमें कोई याद रखने वाला पॉइंट नहीं, कॉमन सेंस है कि इसके अंदर पूरा जगह मिलती है, तो वर्गाकार में आयताकार में आराम से जगह मिलती है प्लांट्स। इसके अंदर हम जो प्रति हेक्टर पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं, अलग से मैं चैप्टर तुम्हें कराऊंगा प्रति हेक्टर पौधे कितने लगेंगे, प्रति हेक्टर पौधे याद करने का एक सूत्र आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल बटे वा दूरी। क्षेत्रफल भी आपका मीटर के अंदर होना चाहिए और दूरी भी आप लोगों की मीटर के अंदर होनी चाहिए। दूरी कौन सी आप लोगों की है, R into P। दूरी हम किसमें लिखते हैं, अरे भाई R किसको बोलते हैं भाई, R into P के अंदर R का मतलब रो से रो है भाई, R का मतलब क्या रो और P का मतलब प्लांट्स भाई, पंक्ति, रो का मतलब पंक्ति, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 मीटर है मान लो, और यहाँ एक उदाहरण से समझा रहा हूँ सरल, बाकी मैं इसके न्यूमेरिकल अलग से तुम्हें कराऊंगा बाद में। मान लो कि एक हेक्टर के अंदर कितना होता है एरिया, 10,000 मीटर स्क्वायर होता, नहीं होता एक हेक्टर के अंदर, तो एक हेक्टर में अपने पास एरिया हो गया 10,000 बटे वह दूरी मान लो 10 × 10 मीटर दूरी है, तो अपन ने नीचे लिखी 10 × 10, 10 और 10 को गुणा करते हैं कितना आता है 100, तो 100 का भाग हम जब 10,000 में लगाते हैं तो कितना आता है 100, तो एक हेक्टर में कितने पौधे लग जाएंगे, 100 प्लांट्स लग जाएंगे, ऐसे ही तो करना अपने को। तो ये तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ भाई, अरे क्षेत्रफल में दूरी 2 हेक्टर है तो डबल कर दो इसको, 20,000 कर दो, सही नहीं है। दूरी आपकी कितनी भी है, मान लो कि 6 × 6 मीटर है, तो 6 × 6 मीटर पे 6 और 6 कितने होते हैं 36, तो हम जब 36 का भाग लगाते हैं 10,000 में तो पौधों की संख्या ऐसे निकाल लेंगे। ये अलग से मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा पूरा, तो ऐसे अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं, तो प्लांट्स की संख्या भी हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई क्या जो रहा हूं मैं बात, है तुम्हारा हुंकारा नहीं आ रहा टाइम के ऊपर, तो पता नहीं चल रहा है तुम्हारी समझ में आती नहीं आती। दूसरी विधि इसके अंदर है विद्यार्थी आयताकार विधि, कौन सी है। अब आयताकार विधि के अंदर क्या है, आयताकार विधि को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम, क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम, कहते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर कुछ नहीं खास, ये अपना रेक्टेंगुलर सिस्टम, इसमें देखेंगे हम लोग हमारे पास में ये फिर से फील्ड है, ये मान लो कि हमारे पास में फील्ड का मतलब खेत को फील्ड कहते हैं, खेत को किसको कहते हैं, खेत को ही तो फील्ड कहते हैं। अब खेत आपका अलग अलग आकार में भी हो सकता है, खेत हमेशा समतल और इसी तरीके का थोड़ी होता है, खेत तो आपका अलग अलग आकार में हो सकता है। बच्चों ऑनलाइन वालों समझ में आ रही है, बच्चे बोल रहे हमारी मम्मियां तो चोटी पकड़ के लड़ती है, ऐसा लिख रहे हो तुम, या किसी और महिला के लिए लिख रहे हो तुम लोग उल्टा पुल्टा, लड़ना नहीं चाहिए अच्छी बात नहीं है, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती वो लोग लड़ते हैं, सही नहीं। लेकिन कई बार क्या है कि आ बेल मुझे मार भी स्थिति है, तो कई बार एक पार्टी गालिस निकालती रहती है 24 मिनट, एक पार्टी सहनशील होती है तो दूसरे वाले क्या कि जबरदस्ती अड़ने की कोशिश करते, ऐसे भी होता है ना वो गाँव की तो बात ही अलग है, वहां क्या बातें हैं, बहुत सारे उदाहरण। अब इसके अंदर क्या है आयताकार में, वर्गाकार और आयताकार के अंदर क्या फर्क, इसके अंदर आपको मान लो कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो वो पहले थी उतना ही रखनी मान लो, ठीक है, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी अपने पास जो थी वो अपने पास में कितनी थी 10 × 10 मीटर मान लो, या 8 × 8 मीटर जो भी आपने रखी, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो वही है, कितनी है
आपकी पंक्ति से पंक्ति जो लगी, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये तो वो तो आपकी 10 मीटर ही है, ठीक है। तो ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो अब इसके अंदर जो प्लांट्स लगा रहे हो आप लोग, प्लांट्स लगा रहे हो, उनको आप लोग क्या कर दोगे, थोड़ा पास पास में हम लोग ऐसे करके लगा देंगे। अब जो प्लांट्स समझने के लिए है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे के सर ये तो आयत बन ही नहीं रहा, कुछ और बन रहा है ऐसे। तो कहने का मतलब समझने के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे चार पौधे मिलकर के क्या निर्माण करेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट से प्लांट डिस्टेंस को हम लोग जिसे 10 से मिटा करके हमने कम कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार आपने कम कर दिया। तो पौधे से पौधे की दूरी को तो क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रह रही है। अब जब मान लो पौधे पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो बराबर है और पौधे से पौधे की दूरी हमने कम कर दी, तो पौधे ज्यादा लगेंगे कम, ज्यादा लगेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो हम इसके अंदर ये पॉइंट याद रखते हैं, देखो इसके अंदर यूं मान लो पंक्ति से पंक्ति, या मान लो पंक्ति की दूरी, पंक्ति की दूरी समान समान रखेंगे, समान वह पौधे से पौधे की दूरी कम, मान लो पौधे से रेस्पेक्टिवली कम रहती, मतलब पौधे से पौधे की दूरी हम लोग कम रखते हैं, ठीक है। तो पौधे से पौधे की दूरी कम और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रहती है, समान रहती है। अब इसमें भी ये भी बेस्ट विधि, ये पॉइंट एक तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, बाकी दूसरा पॉइंट खास याद नहीं रखना, ये भी मैदानिक क्षेत्रों में प्रचलित है लेकिन वर्गाकार से कम प्रचलित है, मतलब कम काम में लेते हैं वो। इसके अंदर भी वही सूत्र है, पौधे से जो आप लोग याद रखना पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या इसके अंदर भी उसी हिसाब से याद रखते हैं, वो सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला जो था अभी, क्षेत्रफल बटे हुआ दूरी वाला, तो क्षेत्रफल बटे हुआ दूरी जो है दोनों मीटर में होनी चाहिए, ये फॉर्मूला इसके अंदर हम लोग देख लेंगे। दूरी में कुछ नहीं, दूरी 10 × 10 मीटर की, 10 × 7 मीटर कर दो क्या फर्क पड़ता, सही नहीं है। उस दूरी का भाग आपको क्षेत्रफल के अंदर लगाना है। तो इस वर्गाकार में अपने एक ही पॉइंट याद रखना है, इसमें भी ये जो दोनों विधियां हैं वर्गाकार एवं आयताकार, इन दोनों के अंदर सबसे कम समस्या आती है, यानी कि पौधे आराम से फुल दूरी पर रहते हैं, कोई एक पौधा वहां एक यहाँ है, मतलब जब बड़े हो जाते हैं तब ठीक ठीक साइज में आ जाते हैं, नहीं तो आपने पहले ही पास में लगा दिए। अब बाद में जब जंगल बन जाता है, अभी आगे बात करूंगा, बेर के हमारे किसान क्या मानते नहीं, जब हम गांव में राय देते ना, तो जो जिस क्षेत्र में कोई फसल पहले से हो रही है उन्होंने तो देखा हुआ है। अब जनरली हम नवाचार करना रहता है ना, राजस्थान की हालत कितनी खराब है, राजस्थान के अंदर फूलों की नींद, फलों की नींद, भारत के अंदर भी बहुत सारे, उत्तरी भारत में तो पूछो मत आप लोग, ये मध्य भारत उत्तरी भारत, यहाँ गाँव के अंदर बगीचे ही नहीं, आप लोगों के गाँव में बहुत ना के बराबर बगीचे होंगे, जबकि बगीचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में होना चाहिए, आय में भी किसान की बढ़ोतरी होती है, इजी गोइंग। कब तक तुम लोग मक्का और गेहूं ये खेती कंटिन्यू करते रहोगे, देश के अंदर गेहूं का उत्पादन तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि सड़ रहे हैं गेहूं, समझ रहे हो क्या, रेल के अंदर आप जो ट्रेन के अंदर दोनों तरफ इतना गेहूं पड़ा हुआ है कि सड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब इतने ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा है गेहूं का उत्पादन कम करो किसान, लेकिन किसानों की आय तो वही है ना, आय बढ़ाना भी तो लक्ष्य होना चाहिए अपना, आय भी अपनी बढ़ने की। तो ऐसे जो है किसान, अब उनको हम कहते हैं शुरू शुरू में बेर, हमारे वहां आए थे बेर लगा दिए, मैंने कहा भाई बेर को कम से कम 6 × 6 मीटर पर लगाओ, मानते नहीं, 15 × 15 फीट पर लगा देते हैं। अब 15 × 15 फीट पर लगा दिया, बेर का पौधा तो झाड़ी नुमा बड़ा बेर होता है, अब वो उनको लगभग 3 साल हो गए, अब वो अंदर जा नहीं सकते, अब चारों तरफ से कांटे और होते हैं बेर के, अब वो किसान अंदर घुसे कैसे, अब वो बगीचे में जा ही नहीं पा रहे। अब मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था, तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं रखा, भाई बगीचे में जाना भी तो पड़ेगा, तोड़ाई कैसे करोगे तुम लोग, है देखने के लिए थोड़ी सोफिस, अब ऐसे समस्या आती है। तो हमें प्रॉपर दूरी पहले ही मेंटेन रखनी चाहिए। एक जो विधि होती है जो आप लोगों को पता है, उसे हम लोग कह देते हैं त्रिभुजाकार विधि। कौन सी विधि है, अब ये जो त्रिभुजाकार विधि है बच्चों, ये त्रिभुजाकार, इसको बोलते हैं ट्राई एंगल सिस्टम, क्या कहते हैं, ट्राई एंगल या फिर ट्राई एंगुलर सिस्टम, तो हम कहते हैं ऐसे ट्राई एंगुलर सिस्टम जो होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तीन पौधे मिलकर के आपके एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, त्रिभुज। ये हमारे पास में मान लो कि तीन पौधे हैं, जैसे ये एक पौधा यहाँ रहा, एक ये है, हियर वी गो, ये बहुत सारे पौधे हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये जैसे प्लांट्स, अब यहाँ पे पौधे ऐसे लगते हैं, जैसे कि एक लाइन छोड़ करके एक लाइन, या थोड़ी जगह कम पड़ रही, नीचे मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ थोड़ा सा, मतलब इसमें सिस्टम ये है तो वर्गाकार ही से, एक तरह से वर्गाकार ही, अभी समझना तुम लोग,
हमने अगर पहली लाइन में पौधा यहाँ लगाए, हे वर्गाकार टाइप में ही है, समझना इस बात, 10 × 10 मीटर पर लगा रहे, कितने पे, 10 मीटर पर, मान लो कि 10 मीटर पर प्लांट्स लगा रहे, पहली लाइन जो लगाई उसमें पहला पौधा यहाँ लगा है, दूसरी जो लाइन आएगी ना आपकी, आपको ध्यान रखते हुए एक इस इन दोनों के बीच में यहाँ लगाना, दूसरा पौधा यहाँ लगा दिया, फिर आपने इसमें 10 मीटर मापा, फिर दूसरा पौधा यहाँ लगा दिया, फिर आपने यहाँ लगा दिया, समझ रहो, फिर अगली लाइन में वापस आपने पौधा यहाँ लगा दिया, फिर आपका इस सीट पे यहाँ लगा दिया, इस श्रेणी के अंदर आपके जो है प्लांट्स लगते जाएंगे ऐसे। तो अब ये तीन पौधे मिलकर के आपका क्या निर्माण करेंगे, त्रिभुज का निर्माण कर देंगे इस प्रकार से। ये आपका अभी देखोगे त्रिभुज बन जाएगा, ये ऐसे हम लोग जो है त्रिभुजाकार विधि की बात जब करते हैं, इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा ऐसे। ये अब यहाँ पे ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये तीन पौधे मिला करके क्या बना रहे, त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। इसमें क्या जनरली अपने को जैसे आम की आम्रपाली किस्म को हम लोग इसी विधि में ज्यादातर लगाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा कुछ, अब थोड़े थोड़े पौधे इसमें कम लगेंगे, देखो कैसे। अब इसके अंदर नीचे माना कि एक लाइन और बनाऊं, यहाँ आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग एक लाइन को और बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमने एक लाइन और बनाई, वो लाइन ऐसे बनेगी यहाँ ऐसे। तो हमने ये प्लांट तो लगा इस प्रकार से, ये देख भाई ऐसे तो लगेंगे, तो ये हमारी ये त्रिभुजाकार विधि होगी। अब त्रिभुजाकार विधि में दूरी तो उतनी है, पौधा उसी दूरी पर लगाओ, परंतु हर लाइन के अंदर जैसे ये वर्गाकार है या इसके अंदर तो सभी पौधे लग रहे हैं पहली लाइन में, इसके अंदर यहाँ पे पौधा नहीं लग रहा, तो हर लाइन में एक दो पौधे कम पड़ते जाएंगे, नहीं पड़ते जाएंगे, कम पड़ते पौधे वर्गाकार से थोड़े पौधे कम लगते हैं इसमें, परंतु वो पास पास में अगर पौधे अपने को लगाने सघन बागवानी करते हैं तो इस विधि को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, देते नहीं देते, इस विधि को प्राथमिकता देते हैं। तो अपने को जो पॉइंट इसमें ध्यान रखने, एक तो है सघन रोपण हेतु उपयुक्त, सघन पौध रोपण हेतु उपयुक्त। सघन पौध रोपण यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग जब करते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त। दूसरा यह है, ये विधि वहां अपनाई जाती है अधिक ढलान वाली जहां मृदाएं हैं, अधिक ढलान वाली भूमि जहां पे है, अधिक ढलान हुआ है, ऊबड़ खाबड़, अधिक ढलान हुए ऊबड़ खाबड़ भूमि हेतु उपयुक्त, ये उन क्षेत्रों में भूमि हेतु उपयुक्त, उन विधियों में ये अपनाई जाती है या फिर उपयुक्त रख सकते हैं। वर्गाकार से लगभग 11% पौधे, आगे मैं देखूंगा 11% कैसे कम है, वर्गाकार से लगभग 11% पौधे कम लगते हैं, 11% कम पौधे ऐसे लिख देना, कम पौधे लगते हैं या कम पौधे कर लो, सही नहीं। तो इसमें अपने को तीन पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है तो इसको हम हेल्प लेते हैं उबड़ खाबड़ मृदाओं में। ये इस त्रिभुजाकार से आज दिन तक मैंने एक भी प्रश्न नहीं देखा है, इतने मैंने एग्जाम के देखे हैं बच्चों, ठीक है। ये आज इन तक मैंने त्रिभुजाकार से कोई भी प्रश्न देखा नहीं, लेकिन अपने को ध्यान रखना होती क्या है। तो तीन पौधे मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये त्रिभुजाकार विधि होगी, बहुत अच्छा। एक विधि अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट विधियों में से एक है, उसको हम लोग कहते हैं पंचभुजाकार। कौन सी विधि है? पंचभुजाकार, इसको हम लोग कहते हैं पूरक विधि भी कह देते हैं, क्योंकि पूरक पौधा लगता है, पूरक विधि भी इसको कह देते हैं, या फिर इसको कहा जाता है क्वीन कंक्स विधि। क्या कहते हैं हम लोग? क्वीन कंक्स, समझ रहे हो? क्वीन कंक्स विधि, इसका अन्य नाम है क्वीन कंक्स, क्वीन कंक्स सिस्टम। अभी एक एग्जाम के अंदर आया था, किसे हम लोग क्वीन कंक्स सिस्टम भी कहते हैं, तो पंचभुजाकार विधि को क्वीन कंक्स सिस्टम भी कहते हैं, शब्द है तो याद रखना आपने, ठीक है। अब इसके अंदर होता कुछ नहीं है, अरे कुछ भी नहीं होता इसमें, देखो क्या है, आपने अभी विधि जो पढ़ी थी जिसे हम लोग वर्गाकार कह रहे थे, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, तो ये अपने पास में ये थी सेम टू सेम वर्गाकार विधि, इसके अंदर ये वर्गाकार थी। वर्गाकार के अंदर हमने जो देखा था मामला इस प्रकार से था, वर्गाकार विधि में ये वर्गाकार विधि, मान लो वर्गाकार विधि में इस प्रकार से चार पौधे लगे हुए हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस प्रकार से आपके प्लांट्स लगे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये तो वर्गाकार विधि की बात होगी जो हमने फर्स्ट नंबर पर पढ़ी थी, उसी तरीके से
अब इसके अंदर ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये पहले से जो पौधे जो मुख्य लगे हुए, इनको कहते हैं मुख्य पौधे। क्या कहते हैं? मुख्य पौधे इनको हम लोग कह देते हैं। ये आपके मेन प्लांट्स लगे हुए, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, बगीचे 4-5 साल लगा देते हैं, अच्छे उत्पादन तक आते आते लगा देते हैं, तो किसानों को क्या रहता है, किसानों को कहीं कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है यार, 4-5 साल तक क्या करेंगे। तो किसान क्या करते हैं, इसके अंदर एक अल्पायु का पौधा लगा देते हैं। क्या करते हैं, बीच में इसके अंदर अल्पायु वाला, यानी कि जो कम उम्र वाला पौधा इसके अंदर लगा देते हैं। जब मेन पौधे आपके फलन में आएंगे, इसको हटा देते हैं बाद में। तो ये अस्थाई जो पौधा लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पूरक पौधा। क्या कहते हैं? पूरक पौधा, या फिर अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिलर प्लांट। क्या कहते हैं इसको? हम लोग जो है फिलर प्लांट कह देते हैं। तो ये फिलर प्लांट जो है इसके अंदर हम लोग लगाते हैं, समझ रहे हो, इसको फिलर प्लांट कह देते हैं या पूरक पौधा कहते हैं। इस विधि को हम लोग फिलर विधि भी कहते हैं इसके नाम से। अब इसमें जो पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं वो इस प्रकार से, कौन कौन से पॉइंट याद रखोगे, देखो सबसे पहला पॉइंट वो है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पहले तो ये जो विधि है इसके अंदर ये है विधि क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि वर्गाकार विधि के मध्य, या फिर वर्गाकार विधि के चार पौधों के मध्य एक पूरक पौधा लगाया जाता है। एक पूरक पौधा लगाया जाता है, लगा रहे नहीं लगा रहे, ये पहला पॉइंट है, पूरक पौधा लगाया जाता है। तो पहला पॉइंट अपन ने यहां से याद कर लिया। दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम कहते हैं, इसमें वर्गाकार विधि से लगभग दोगुने पौधे लगते हैं। कितने लगते हैं? लगभग दोगुने या फिर दुगुने पौधे, लगभग लिखा है यानी कि थोड़े कम लगेंगे, दुगुने पौधे लगते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमने याद कर लिया। अब दुगुने पौधे कैसे लगते हैं? एक बार तो लग जाते हैं, बाद में भले ही उखाड़ देंगे भाई, ये एक लाइन पहले बनी हुई है, ये पौधे लगाने से एक नई लाइन बन गई नहीं बन गई भाई? पूरी नई लाइन बन रही नहीं बन रही? केवल इस कॉर्नर वाला प्लांट ही नहीं लग रहा है, बाकी तो पूरी पूरी नई लाइन बन रही है एक तरह से। तो लगभग डबल पौधे हो गए, नहीं हो गए? डबल पौधे से कम ही है, ज्यादा नहीं भाई। ऐसा प्रश्न आया, जैसे एक प्रश्न एसीएफ के अंदर आया था कि वर्गाकार की अपेक्षा इस विधि में कितने पौधे लगते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, कितने गुना पौधे ज्यादा लगते हैं? 2.5 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना, या फिर आपका यू मान लो 3.5 गुना, ऐसा प्रश्न आया था। क्या करोगे इसमें? अब अपने लगभग दोगुना, लगभग कहते हैं 181% ज्यादा लगते हैं, लेकिन अपने 2 से कम जो आएगा, समझ रहे हो, लगभग दोगुना, पूरे दोगुना तो लगेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पौधा नहीं लग रहा, तो थोड़े कम लगेंगे। तो ऐसा अपने को हल्का सा विद्यार्थी ध्यान रखना इस बात। इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट है, ये अस्थाई रूप से सर्वाधिक लग रहे हैं। प्रश्न आए तो ध्यान रखना अस्थाई रूप से। तो ऐसा प्रश्न कभी अस्थाई के नाम से दे दे कि अस्थाई रूप से सर्वाधिक पौधे किस विधि में लगते हैं। अस्थाई रूप से सर्वाधिक पौधे, तो अस्थाई रूप से सर्वाधिक पौधे आपकी इस विधि के अंदर लगते हैं। अस्थाई रूप से सर्वाधिक पौधे लगते हैं। एक पॉइंट जो आपका याद रखना है, इसके अंदर जो अब पूरक पौधा है, अब उस पूरक पौधे के बारे में भी कई बार थोड़ी थोड़ी डिटेल अपने को ध्यान रहनी चाहिए। अब पूरक पौधा, पहला तो आपका ये अस्थाई पौधा होना चाहिए भाई। अस्थाई होता नहीं होता है, एक तो ये अस्थाई पौधा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अतिरिक्त आय का स्रोत, है कि नहीं है? ये किसान को कुछ समय तक अतिरिक्त आय देता रहेगा, तो ये आपका अतिरिक्त आय का स्रोत रहता है जब तक कि मुख्य पौधे फलन में आ जाए, तो अतिरिक्त आय का स्रोत। और उदाहरण के रूप में इसमें कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, जैसे पपीता लगा दिया, जैसे केला लगा सकते हैं, जैसे आप लोग फालसा लगा सकते हो, ठीक है, या फिर और दक्षिण भारत में पाइनएप्पल वगैरह भी लगाते हैं, पाइनएप्पल है, कई बार अदरक वगैरह भी लगा देते हैं, पाइनएप्पल है, साउथ इंडिया के अंदर अदरक भी लगा दी बीच में, लगा सकते हैं। यानी कि जनरली जो पपीता है, केला है, ये ज्यादातर लगाया जाता है, फालसा है, करौंदा भी लगा सकते हैं, समझ रहे हो क्या? तो कहने का मतलब ऐसा पौधा जिसकी उम्र कम है, बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है ना? तो अस्थाई पौधा प्रश्न ऐसा आ सकता है, क्या हुआ? उद्रक लिख दिया, तो तुम्हारा उद्रक कोई पौधा नहीं होता क्या? है? कोई बात नहीं,
चलता रहता है, ऐसे तो हो जाती है, मिस प्रिंटिंग नहीं हो सकती, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखो एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब इसमें जब हम पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं ना, अब पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं, हालांकि मैं अलग से ढंग से बताऊंगा, लेकिन मुख्य पौधे तो उतने ही रहे जितने वर्गाकार में है भाई। हम इसमें पौधों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं एक बार, तो पौधे की संख्या ज्ञात करें तो वर्गाकार में जितने लगेंगे उतने तो है, ज्ञात तो अपने को बीच वाले करने रहे पूरक पौधे। तो हम जब मुख्य पौधे तो ज्ञात करते हो, मुख्य पौधे तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं, मुख्य पौधे, मुख्य पौधों का फॉर्मूला वो का वही है, कौन से वाला, तुम्हारा क्षेत्रफल बटे वा दूरी, मतलब क्षेत्रफल बटे वा दूरी जो था, इसमें जितने भी पौधे आ जाएंगे उसके अंदर पूरक पौधे जोड़ने, अपने को जोड़ने नहीं जोड़ने, तो पूरक पौधे जोड़ेंगे। पूरक पौधे जो ज्ञात करते हैं अपन, यहाँ पे पूरी लाइन आएगी नहीं, तो पूरक पौधे जो हम लोग निकालते हैं, उस पूरक पौधे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, यहां लिख रहा हूं देखना, लंबाई, ल का मतलब क्या है, लंबाई में पंक्तियां, क्या है, लंबाई में पंक्तियां, प का मतलब क्या है, माइनस एक इंटू चौड़ाई, बोलो चौड़ाई में पंक्तियां, चौड़ाई में पंक्तियां माइनस एक, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, बोलो लंबाई में पंक्तियां माइनस एक इंटू चौड़ाई में पंक्तियां माइनस एक। ये पूरक पौधे ज्ञात करने का सूत्र है। हम बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे ना, मान लो कि ये हमारे पास में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई में कितनी लाइनें लग रही उनको गिनना है, चौड़ाई में कितनी लाइनें लग रही उनमें से माइनस एक करना है, जो भी पौधे आ जाएंगे उसको हम लोग इन पौधों में जोड़ देंगे, अरे मुख्य पौधों में जोड़ देंगे। वो तुम्हें मैं कैसे निकालता है समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, तुम्हें ज्यादा कुछ लिखना नहीं, थोड़ा और बढ़ जाए आगे, 5 मिनट और ले लेते हैं, तुम लोग लिख लेना आराम से, क्या पहले लिखोगे, क्या लिखोगे। अगली जो विधि है आपकी, जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट लिख लेना स्पीड बढ़ाना, उसे हम लोग विद्यार्थियों कहते हैं षटभुजाकार विधि, क्या कहते हैं, अरे दिक्कत नहीं, घबरा क्यों रहो, घबरा रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल, बोलो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल समत्रिबाहु विधि, समत्रिबाहु विधि, इसको हम लोग कहते हैं सेप्चुअल विधि, कई बार क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सेप्चुअल विधि भी कहते हैं, कई बार सेप्चुअल मेथड भी कहते थे, लेकिन याद कौन कौन सा रखना है, षटभुजाकार, हेक्सागोनल और या फिर समत्रिबाहु, सेप्चुअल तो मैंने ऐसे लिख दिया, बीच में सातवां पौधा भी लग जाता कई बार, तब इसको सेप्चुअल कहते हैं। 6 पौधे मिलकर के एक षटभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसमें देखो एक पौधा ऐसे लगा, एक पौधा ऐसे लगा, ऐसे ऐसे हम लोग 6 पौधे लगाते हैं और ये तुम्हारा षटभुज बन जाता, बन जाता नहीं बन जाता, ऐसे षटभुजाकार इसको हम लोग कह देते हैं ऐसे, तो ये 6 पौधे मिलेंगे एवं एक षटभुज का निर्माण इस प्रकार से कर देंगे ऐसे। तो ये हम लोग समझने के लिए देख रहे हैं कि ये अपना जो है षटभुजाकार विधि होगी, जिसमें 6 पौधे मिलकर के इस प्रकार से एक षटभुज का निर्माण करते हैं, कई बार सातवां पौधा बीच में भी लगाते हैं। इसमें सभी पौधे स्थायी होंगे, ऐसा नहीं कि कोई पौधा आपका अस्थायी हो जाएगा, इसमें सभी के सभी प्लांट कैसे होंगे, सबके सब आपके स्थायी पौधे ही होंगे। तो ये आपकी षटभुजाकार विधि यहाँ पे हो गई है, षटभुजाकार विधि, सबके सब आपके स्थायी पौधे हैं, 6 पौधे मिलकर के एक षटभुज का निर्माण करते हैं। ऐसे में होता यूं है, इस विधि के अंदर क्या होता है, ये विधि जनरली ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाती है जहाँ जमीन थोड़ी महंगी रहती है, क्या रहती है, जमीन महंगी रहती है, महंगी जमीनों के लिए ये उपयुक्त विधि है। महंगी जमीनों का मतलब ये है कि जैसे शहरी क्षेत्रों के आसपास, इस विधि में पौधे बहुत पास पास लगते हैं, ये षटभुज जो है इसमें पौधे बहुत पास पास में लगते हैं, यानी कि लगभग 15% पौधे ज्यादा लगते हैं वर्गाकार विधि से, लेकिन सब स्थायी रहेंगे। हमने पंचभुजाकार में क्या देखा, अस्थायी रूप से लग रहे हैं पौधे सर्वाधिक। इस विधि में जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो इस प्रकार से याद रखोगे, पहला पॉइंट है वर्गाकार की अपेक्षा, सबसे ज्यादा बार प्रश्न आता रहता है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा, विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं, कितने प्रतिशत, 15% पौधे अधिक लगते हैं, याद रखना है अधिक,
दूसरा पॉइंट ये है, जो शहरी क्षेत्र की जमीन है या फिर शहरों के समीप महंगी जमीनों पर अपनाई जाती है अपनाई जाती है, ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, तीसरा ये है कि सघन रोपण हेतु, सबसे इंपॉर्टेंट है, उस त्रिभुजाकार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, सघन रोपण हेतु जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग, क्या कहते हैं, पौधों को पास पास में लगाना है, स्थाई रूप से सर्वाधिक पौधे इस विधि में लगते हैं, सर्वाधिक पौधे। अब आपको कई बार ये स्थाई शब्द अस्थाई शब्द कुछ भी नहीं देना भाई, ऐसे नहीं देख अस्थाई रूप से किसमें लग रहे, स्थाई रूप से किसमें लग रहे, तो ऐसे में षटभुजाकार आएगी, ध्यान रखना, मैं रिपीट करो, आपको अगर अस्थाई जैसे अस्थाई रूप से सर्वाधिक आपको शब्द देवे ही नहीं, केवल यही दे कि भाई सबसे ज्यादा पौधे किसमें लगते हैं, तो सर उसमें तो अस्थाई है, ये स्थाई रूप से है, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है कि ये रेखांकन करने में कठिन है, रेखांकन में कठिन वह खर्चीली विधि है, सबसे ज्यादा खर्चीली विधि है। अब खर्चीली विधि कैसे है, अब इसके अंदर ये पॉइंट है, ये पांचों ही पॉइंट ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, देखो कैसे आएंगे भाई, इसमें एक तो वर्गाकार से ज्यादा पौधे लगेंगे, सभी स्थाई पौधे हैं, तो ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, दो तरीके से आता है, एक तो होता है कि भाई वर्गाकार विधि से 15% पौधे किस विधि में अधिक लगते हैं, ऐसे आता है, या फिर ये आ सकता है कि भाई वर्गाकार से षटभुजाकार में कितने प्रतिशत ज्यादा लगते हैं, ये आता रहता है। आईसीआर के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि भाई शहरी क्षेत्रों के समीप महंगी जमीनें होती, क्योंकि उस जमीन का सदुपयोग करने के लिए पास पास में पौधे लगाते हैं, तो पास पास में लगाने के तो हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। कभी प्रश्न आया सघन पौध रोपण है तो कौन सी विधि उपयुक्त है, तो ये स्थाई रूप से सबसे ज्यादा पौधे हैं और रेखांकन, ये तुम्हारे जब तुम कॉपी में बनाओगे तो भी तुमसे बड़ी मुश्किल से बनेगी ये, तो ये खेत के अंदर कैसे बनाते, एक फीता इधर पकड़ता है उधर चार पांच लोग, तो फीता पकड़ने वाला चीज चाहिए नहीं चाहिए, ये रेखांकन करने में ये कठिन रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, वापस फटाक से रिविजन करते हुए फिर तुम लिखोगे, पहली विधि बोलो वर्गाकार विधि, पंक्ति से पंक्ति वह पौधे से कि पौधे की दूरी समान किस विधि में रहती है, अपने मैदानी क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त या सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रति हेक्टर पौधों की संख्या बोलो, क्षेत्रफल बटे वह दूरी वर्ग, अगली विधि आयताकार विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रहती है लेकिन पौधे से पौधे की दूरी कम लगा देते हैं, फॉर्मूला सेम है। त्रिभुजाकार विधि में हाई डेंसिटी प्लांटिंग और अधिक ढलान और उबड़ खाबड़ में उपयुक्त है, और वर्गाकार से 11% पौधे कम लगते हैं, आपके इंपोर्टेंट है ये सबसे ज्यादा। पंचभुजाकार प्रश्न था कौन सी विधि में चार पौधों के बीच में एक पूरक पौधा लगाया जाता है, ये पूरक पौधा तभी लगता है जब कम से कम 10-10 मीटर पे पौधे लगे हो, ठीक है, नहीं तो बीच में लगेगा ही नहीं, मुख्य पौधे पूरक पौधे। तो ये पॉइंट आता है कि ये वाला आता है कि वर्गाकार विधि से लगभग दोगुने पौधे किस विधि में ज्यादा लगते हैं, तो पंचभुजाकार में, ठीक है। पूरक पौधा का उद्देश्य पूछ ले कभी, या पूरक पौधे के उदाहरण पूछ ले, तो पपीता केला जो कम अवधि के पौधे हैं ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे, और ये षटभुजाकार तुमने देख ही लिया।